साथियों अभी आप सुन रहे थे रागिनी के अंदर जब द्रोण और द्रौपद के बीच में युद्ध की तैयारी हो रही थी और युद्ध की तैयारी क्या दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में नतीजा यह हुआ कि पहले धनुष बाण चुचकारे मार संख में फूक लड़न को रण में वीर ललकारे और अंत में अंतिम कली बता रहा हूं क्योंकि रागिनी थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। सुमरी कुंती मात गुरु कर बेड़े ने पार दिए अंधेरा सा बन गया बाण छोड़ बेसुम मार दिए धनुष दिया काट सारे शस्त्र कर बेकार दिए के लड्डन सिंह राजबल मान अभिमानी के मार दिए और फिर रथ में कूद मुसक बांधी राजा द्रौपदी जंग हारे पहले धनुष बाण चुचकारे। साथियों उस अर्जुन ने द्रौपदी के शस्त्रों को काट दिया और द्रौपदी के रथ के अंदर कूद करके मुसक बांध लेता है और बंदी बना करके कहा अपने गुरु द्रोण के पास में लेकर के आ जाता है। द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को बंदी बने देखा तो पूछा कि कहिए द्रौपदी अब इस राजपाट का मालिक कौन है। तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि जब मैं युद्ध के अंदर हार गया हूं तो राजपाट के ऊपर तुम्हारा अधिकार बनता है। मेरा अधिकार बनता है तो यह राजपाट पांचाल देश का राज मेरे नाम पर लिख दे। द्रोण ने वो पांचाल देश का राज द्रौपदी से अपने नाम पर लिखवा लिया और कहा याद कर उस समय को तेरे पास एक गाय लेने के लिए गया था मैं, तूने एक गाय मुझे यारी में नहीं दी थी। तू कह रहा था कि राजा और रंक की कभी यारी नहीं हुआ करती, आज मैं राजा हूं और तू रंक बना हुआ है, लेकिन मेरी बात सुन, तूने तो मुझे एक गाय यारी में नहीं दी थी लेकिन मैं अपने यारी के फर्ज को जरूर निभाऊंगा। और एक बात के द्वारा किस तरह से वो द्रोण द्रौपदी से एक बात के द्वारा क्या कहते वाला नाम निशान तने यार ही का नाम
खुशी नहीं है इस बात की, मैं इस बात के लिए खुश नहीं हूं कि तू मेरे चेलाओं के द्वारा बंदी बना करके यहां पर लाया गया। क्यों? क्योंकि तू मेरे बचपन का यार है, मेरा गुरु भाई है। तीसरी कली के माध्यम से क्या कहते बोला, लेकिन इस सारे राज को नहीं। अरे राज आज पंचाल देश का तुझे आधा भी देऊंगा मैं, मेरा बेटा करे, मेरा बेटा करे दूध की जिद तेरी, एक गौ ले सच्चे सज्जन और साफ कहने वाले व्यक्ति हैं। 100-100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपकी जन सेवा में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। एक बार जोरदार ताली जितेंद्र प्रधान जी के लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। साथियों, नौजवानों से भी एक अनुरोध है, पहली रागनी सुनाई थी बहुत तेज ताली बजाई, कुछ ने कह दिया एक और हो जान दो, एक और हो जान दो। दूसरी रागनी सुनाई तो तालियों की थोड़ी सी गड़गड़ाहट में हल्कापन आ गया, क्योंकि लेडीज देखने को कम मिली। और तीसरी रागनी सुनाई है तो कहीं ये ना सोच लेना कि अब के ताली बजा दी तो फिर के नागाल लगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा ईमानदारी से, सच्चाई देखते हुए, अगर रागनी पसंद आ रही है, किस्सा पसंद आ रहा, कलाकार पसंद आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। साथियों, जोरदार ताली। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या तूने तो एक गाय मुझे नहीं दी थी, लेकिन जिस रोज तूने अपमानित करके मुझे वहां से भेजा था, मैंने एक प्रण लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि तेरे हाथ से गाय लेकर ही अपने घर पर लौटूंगा। मैं आज तक अपने घर पर नहीं गया। सुन ले मेरी बात को द्रौपद, चौथी कली के माध्यम से क्या कहने वाला।